हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल अरु टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों होप दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है एयरटेल पैनल, सबसे फर्स्ट में क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपका जो फ़ोन नंबर से बना होगा रजिस्टर्ड आईडी है उसको फ़ोन नंबर डाल देना है और अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। और फिर ऐसा है कि दोस्तों यहाँ मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पोर्टल लॉगिन हो चुका है, तो उसके नीचे आप लोग दिख रहा होगा ओपन बैंक अकाउंट, तो यहाँ से मुझे यस पे कर देना है। ओनली इंडियन का ही बस अकाउंट खुल सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, चलिए हम फिल कर लेते हैं। फिर उस कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर देना है, ओटीपी को फिल करके सबमिट नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आधार नंबर मांग रहा है, तो कस्टमर का आधार नंबर यहां से फिल कर देना है। फिर कर देना है नेक्स्ट पे, उसके बाद कुछ प्रोसेस करेगा, फिर आपको कस्टमर का फिंगर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि फिंगर जलेगा कस्टमर का फिंगर लगा देना है, फिर आपका प्रोसेस होने लगेगा। फिर अगर हो जाएगा तो कस्टमर का फोटो पूरा आईडी प्रूफ होके आ जाएगा यहाँ पे। जैसे दोस्तों यहाँ पे फिंगर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मांग रहा है पैन कार्ड नंबर, अगर उनके पास पैन कार्ड नंबर तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं है तो नीचे वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों उनका पैन कार्ड है, तो चलिए हम यहाँ पे उनका पैन कार्ड फिल कर लेते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनका पूरा प्रोफाइल खुल के आ गया है, तो दोनों नीचे क्लिक पे कर देना है। फिर आगे पे नेक्स्ट पे आएगा उनका फादर नेम, तो हम चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे पूछा दोस्तों फादर नेम हम डाल देते हैं, और इनका शादी होगा नहीं वो भी डाल सकते हैं, सिंगल या मैरिड। और हम यहाँ पे स्टूडेंट खाता खोलना है तो हम स्टूडेंट पे कर देते हैं, और यहाँ पे एनुअल इनकम इतना पे आपको फिल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है नॉमिनी नेम, तो यहाँ पे किसी का नॉमिनी नेम डालना है, जैसे कि मैंने इनका फादर का नेम डाल दे रहा हूँ फादर। उसके बाद आपको कर देना है जन्मतिथि फिल कर देनी है। ऐसा दोस्तों जन्मतिथि डालने के बाद नॉमिनी और इनका सेम एड्रेस पे ही क्लिक कर देना है। ऐसा दोस्तों इसको खोलने के बाद आपको यहाँ से कितना अकाउंट खोलना है, जैसे कि मैं दोस्तों 50 रुपये खोल रहा हूँ और यहाँ पे 50 रुपये चार्ज कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने देख सकते हैं कैश 50 रुपये कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस करके फिंगर लगा देना है। जैसा प्रोसेस कर फिंगर लगाएं तो आपका जो पिन कोड होगा वॉलेट पिन उसको क्लिक करके या सबमिट कर देना है डाल के। फिर दोस्तों यहाँ पे यस पे कर देना है डीबीटी लिंक करने के लिए फर्स्ट लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट आधार कार्ड से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं तो कोई भी स्कॉलरशिप पैसा आ जाता है इससे। यहाँ पे करके आपको प्रोसीड एक बार फिर फिंगर लगा देना है कस्टमर का। इसको होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर इंटरेस्ट अकाउंट ओपन नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग, यहाँ तो दोस्तों प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, इनका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खुल चुका है। तो अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।